हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। देखिएगा, हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट एक कंसेप्ट शुरू किया आपका केमिस्ट्री में, जो एलिमेंट्स हैं उनको याद रखने का तरीका। ये मैं आपको पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप कौन से भी चैप्टर में जाइए, चाहे आप प्लस वन केमिस्ट्री में जाइए, टेंथ में जाइए, जब भी आप जहाँ भी जाएंगे, जिस भी टॉपिक में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको कुछ एलिमेंट्स ज़रूर मिलेंगे और वहाँ पे उन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो सबसे पहला काम आपके लिए, अगर आपको सभी एलिमेंट याद हो जाते हैं, उनके एटॉमिक नंबर याद हो जाते हैं, तो बाकी चीज़ें समझना आपके लिए आसान हो जाती हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर आपके लिए एक सीरीज शुरू की है एटॉमिक नंबर को याद रखने की, एलिमेंट्स को याद रखने की। उसमें हमारा जो दूसरा वीडियो है, ये जो हम आज आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स लिखना सिखाएंगे, कैसे आप उनको याद रख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करते रहें और इस पर अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आप कर सकते हैं अगर आपके कोई डाउट हो तो। चलिए सीख लेते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट को याद रखने का। देखिए, जो पी ब्लॉक एलिमेंट है वहाँ पर जनरली हमारे पास छः ब्लॉक समय देखने को मिलते, छः ग्रुप्स में देखने को मिलते हैं। तो चलिए सबसे पहला हम याद रख लेते हैं आपका ग्रुप जो कि आपका पी ब्लॉक में बनता है, वो आपका 13 ग्रुप। बीच में जो 1 और 2 ग्रुप थे वो थे हमारे पास आपके एस ब्लॉक के। उसके बाद जो है 3 से लेके और 12 तक बीच में डी ब्लॉक आ जाता है, उसके बाद पी ब्लॉक आता है हमारा जो कि 13 ब्लॉक है, 13 ग्रुप नंबर है। तो चलिए पहला ग्रुप पी ब्लॉक का, जिसको कि हम बोलते हैं आपका 13 ग्रुप, उसको याद रखने की हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। ट्रिक क्या, देखिएगा, ये आपका ग्रुप 13 और ये आता है आपका पी ब्लॉक में। देखिएगा ट्रिक यहाँ पे ऐसे है कि कोई जो लड़का वो सब्जी मंडी में गया है और वो सब्जियाँ खरीद रहा है, और सब्जियाँ वो लेने के बाद कहाँ पे डालेगा, थैले में डालेगा। तो उसने जो सब्जियाँ ली हैं वो कुछ ऐसे हैं, देखिएगा, बैंगन, फिर उसने लिया है आलू, और उसके बाद गाजर, इन थैला, उसने ये सारी सब्जियां ली और थैले में आसानी से डाल दिया। तो देख लेते हैं इनसे जो वर्ड बनते हैं वो क्या बनते हैं। हमने सबसे पहले बोला बैंगन, फिर बोला आलू, आलू मतलब AL, गाजर मतलब GA, इन मतलब IN, और थैला मतलब TH। तो ये हमारे पास एक जो है याद रखने का तरीका बन जाता है, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। चलिए, ये तो एलिमेंट हुए, अब इनसे बनेगा क्या। देखिए, जो सबसे पहले हमारे पास B है, ये बनेगा B से बोरोन, बोरोन एलिमेंट बनेगा। AL से आपको अनुमान लग ही गया होगा एल्यूमिनियम बनेगा, और ये जो GA है इससे बनेगा आपका गैलियम, और जो IN है इससे बनेगा आपका इंडियम। ये एलिमेंट्स जो है 10वीं क्लास के स्टूडेंट के लिए कुछ अलग हो सकते हैं, लेकिन जस्ट आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, याद तो रखने पड़ेंगे। और TH से बनेगा आपका थेलियम। देखिए कितनी आसानी से आपको 5 एलिमेंट यहाँ पे याद हो गए, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। इसी तरीके से अगर आपको इनके एटॉमिक नंबर भी याद रखने जरूरी होंगे, एलिमेंट तो याद हो गया आपको कौन से पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं और 13 ग्रुप है ये। अब इनके एटॉमिक नंबर आप कैसे याद रख सकते हैं, मैंने आपको बताया था एक कोड है यहाँ भी, इसी तरीके से आपने इस कोड का पालन करना है। वो कोड देख लेते हैं, देखिएगा वो कोड क्या है। तो देखिएगा वो कोड है हमारे पास यहाँ पर आपका 8, 18, 18 और 32। ये आप एक बार याद रख लीजिएगा कोड आपका 8, 18, 18, 32। ये कोड आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स जितने भी होंगे उन सभी में लागू होगा, सभी पी ब्लॉक एलिमेंट के एटॉमिक नंबर याद रखने का एक कोड है। चलिए देखते हैं कोड को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो ग्रुप का पहला एलिमेंट होता है उसका एटॉमिक नंबर आप याद रख लीजिए। तो हमें पता है बोरोन है ये, और बोरोन का एटॉमिक नंबर आप सभी को पता है ये 5 होगा। अब कोड अप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे कोड में, ये जो 5 था इसमें इस 8 को ऐड करेंगे तो 5 प्लस 8 कितना हो जाएगा 13, मतलब एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर।
इसी तरीके से हम इस 13 में इस 18 को ऐड करेंगे। देखिएगा 13 प्लस 18 कितना हो जाएगा 31। 31 मीन्स गैलियम का एटॉमिक नंबर। फिर इस 31 में इस 18 को ऐड करेंगे तो 31 प्लस 18 तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 49। और इस 49 प्लस 32 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास आपका 81। तो ये देखिएगा आपके पास इन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर आ गए, बोरोन का भी, एल्यूमिनियम का भी, गैलियम का भी, इंडियम का और थैलियम का, ये आप याद रख सकते हैं। तो ये बात हुई हमारे पास पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 13 की। उसके बाद नंबर आता है ग्रुप 14 का। ग्रुप 14 ग्रुप है 14 और पी ब्लॉक का है। अब यहाँ पे क्या ट्रिक है देखिए, यहाँ पे जो ट्रिक है वो है ये है कि जो माता सीता जी थी वो जो है श्री राम उनसे कुछ कह रही है। तो मतलब ट्रिक क्या बनेगी, फिर ट्रिक ये है कहे सीता जी सुनो प्रभु, भगवान श्री राम को कुछ कहना चाहती हैं तो कहे सीता जी सुनो प्रभु। अब इससे ये जो वर्ड है इससे ट्रिक क्या बनी देखिएगा, हम लिख लेंगे कहे मतलब सी, सी से बनेगा कहे सीता मतलब एस आई सीता जी, जी मतलब जी ही लिख लेंगे, सुनो मतलब एस एन और प्रभु मतलब पी बी। तो कहे सीता जी सुनो प्रभु, तो ये हमारे पास वर्ड बन गए, कहे का मतलब सी, सीता जी का मतलब सी, जी का मतलब जी ई, सुनो मतलब एस एन और प्रभु मतलब पी बी। अब इसको आप वर्ड कौन से बनेंगे मतलब एलिमेंट कौन से बनेंगे, तो देखिएगा सी से बनेगा आपका यहाँ पे कार्बन, एस आई से बनेगा आपका सिलिकॉन, जी ई से बनेगा आपका जर्मेनियम और जो एस एन है इससे बनेगा आपका टिन और जो पी बी इससे बनेगा आपका लेड, लेड। तो आपने देखा ये ट्रिक थी, इससे हमारे पास ग्रुप 14 के एलिमेंट बन गए कहे सीता जी सुनो प्रभु। अब फिर वही बात आती है कि इनके एलिमेंट याद हो गया, एटॉमिक नंबर याद कैसे रखें। फिर वही ट्रिक जो मैंने आपको बताई थी, अगर आपको ध्यान हो तो आपने याद रखना है 18 और 32। ये हमारे पास एक कोड है, इस कोड की मदद से हम किसी भी ग्रुप के एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं, बशर्ते आपको जो ग्रुप है उसका जो ग्रुप का पहला मेंबर है उसका एटॉमिक नंबर याद हो। तो कार्बन का तो सभी को पता है एटॉमिक नंबर, आप सभी जानते हैं कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है हमारे पास वो आप जानते हैं 6 है। तो कार्बन का पहला एलिमेंट है, लिख लिया 6। अब क्या करेंगे, 6 में 8 ऐड कर दीजिए, इस 6 में 8 को ऐड कर दीजिए तो 6 प्लस 8 कितना हो जाएगा 14, तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर। अब इस 14 में इस 18 को ऐड कर देंगे तो 14 प्लस 18 कितना हो जाएगा 32, तो जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर। इसी तरीके से इस 32 में इस 18 को ऐड कर देंगे हम तो 32 प्लस 18 कितना हो जाएगा 50, 50 मतलब 10 का एटॉमिक नंबर। और इस 50 में हम ऐड कर देंगे इस 32 को तो मतलब ये हो जाएगा 50 प्लस 32 82 मतलब लेड का एटॉमिक नंबर। तो आपने देखा कि ये हमने ग्रुप 14 के एलिमेंट के एटॉमिक नंबर भी आप वैसे भी याद रख सकते हैं कि 5 के बाद 6, 13 के बाद 14, 31 के बाद 32, 49 के बाद 50 और 81 के बाद 82। अगर आप अक्रॉस द पीरियड मूव करते हैं तो ये भी आप याद रख सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपने ग्रुप वाइज याद रखना है तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो ये हमारा ग्रुप 14 भी हुआ कंप्लीट। चलिए अब ग्रुप 15 को भी याद कर लेते हैं। ग्रुप 15 को याद रखने का क्या हमारे पास तरीका होगा, तो पहले यहाँ पे लिखेंगे ग्रुप 15 है आपका और ये पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर आपका आता है। तो चलिए इसको कैसे याद रखेंगे, इसको याद रखने की जो ट्रिक है वो देखिएगा क्या है। यहाँ पे जो हम ट्रिक अप्लाई करेंगे वो ये है कि देखिएगा यहाँ पे एक लड़का है जिसका नाम है नकुल। तो सभी बोलते हैं अगर नकुल पास हो जाए तो सभी बिंदास हो जाए, मतलब नकुल पास है तो सभी पास हो जाएंगे। तो ट्रिक ये है नकुल पास सब बिंदास,
ये हमारे पास एक ट्रिक है, नकुल पास सब बिंदास। तो देख लेते हैं कैसे अप्लाई करेंगे। नकुल से क्या बनेगा आपका, देखिएगा, नकुल से बनेगा आपका एन। पास देखिएगा, पास से हम दो वर्ड बनाएंगे, नकुल से एक वर्ड एन बना, पास से एक तो पी और ए एस। पास सब मतलब एस बी और बिंदास मतलब बी आई। तो देखिएगा ये तो बनी ट्रिक, नकुल पास सब बिंदास, ये हमने वर्ड लिख लिए। अब इनसे एलिमेंट कौन से बनेंगे, देखिए एन से बनेगा आपका नाइट्रोजन, पी से बनेगा आपका फॉस्फोरस, इसी तरीके से एस से बनेगा आपका आर्सेनिक, एस बी से बनेगा आपका एंटीमनी। देखिए ये टेंथ क्लास नाइन्थ क्लास के लिए कुछ अलग वर्ड हैं, लेकिन आपने याद में रखना इनको, एंटीमनी। और ये है आपका बिस्मथ। आप पीरियोडिक टेबल अपने पास रख सकते हैं ताकि आपको आसानी हो। अब देखिए ये एलिमेंट हो गए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। फिर इनके एटॉमिक नंबर याद रखने का ट्रिक हमें पता हो, ट्रिक वही है सभी पी ब्लॉक में जो लागू होता है, 8, 18, 18 और 32। तो इनको हम अप्लाई कर देंगे। मैंने आपको बताया था जो ग्रुप का पहला एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर आप याद रख लें। नाइट्रोजन का सभी को पता है 7 होता है, कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन, कार्बन का 6 था, नाइट्रोजन का 7। अब ट्रिक अप्लाई कर देंगे, इस 7 में 8 को ऐड कर दीजिए, तो 7 + 8 कितना हो जाएगा, 15। तो फॉस्फोरस का ध्यान रखिएगा, ये जो आप ऐड करते हैं तो इनको याद ऐड करते हुए ध्यान रखिएगा एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर आप कहाँ पे लिख रहे हैं। नाइट्रोजन के बाद जो आपने 7 में ऐड किया तो फॉस्फोरस के सामने होना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे 15 में, फिर आगे 18 को ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 15 + 18 ही हो जाएगा आपका 33। और फिर आप 33 में फिर 18 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे देख सकते हैं आप, 8 और 3 11, 3 और 4 1 5, 51। और 51 में फिर इस 32 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 83। तो ये एटॉमिक नंबर याद हो गए आप सभी को, देखिएगा 7, 15, 33, 51 और 83। नाइट्रोजन का 7, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये भी आपको याद होगी। चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं ग्रुप 16 की, जो कि आपका पी ब्लॉक में है। ग्रुप 16 को कैसे याद रखेंगे, कैसे उसके एटॉमिक नंबर याद रखेंगे, तो इसलिए इसके पास भी, इसको याद रखने के लिए भी हमारे पास एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, देखिए वो ट्रिक ये है कि कोई बच्चा वो चीटिंग करता है एग्ज़ाम में, तो वो क्या बोलता है, ओस से टेपो। ओस का मतलब ये नहीं जो ओस होती है ठंड में जो पानी की बूंदी होती है, वो नहीं, ओस मतलब उससे, किसी दूसरे से, उसको वो ओस बोलता है। उसका दोस्त होगा कोई ओस, तो दूसरे को भी बताता है कि उससे टेप लो आप, मतलब उसकी चीटिंग कर लो। तो ओस से टेपो से देखो अब जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से बनेंगे, ओस से मतलब ओ से ओ, से मतलब एस ई से, सॉरी यहाँ पे ओस मतलब ओ एस, सिंपल आपने याद रखना है। फिर से बनेगा आपका एस ई, और टेपो से मतलब टी ई और फिर पी ओ, ओस से टेपो। अब यहाँ पे एलिमेंट कौन से बनेंगे, देखिएगा ओ से बनेगा आपका ऑक्सीजन, फिर एस से बनेगा आपका सल्फर, एस ई से बनेगा आपका सेलेनियम, और टी ई से बनेगा आपका टेलुरियम, टेलुरियम, और पी ओ से बनेगा आपका पोलोनियम। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं आपके पास, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। देखिए आपको ये एलिमेंट आसानी से याद हो गए, पांचों एलिमेंट ग्रुप 16 के। अब इनके एटॉमिक नंबर कैसे याद रख सकते हैं, वही ट्रिक, कोड याद रखना है 8, 18, 18 और 32। ये तो कोड हुआ। फिर अप्लाई कैसे करते हैं, ग्रुप का पहला एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर याद रख लो, ऑक्सीजन का सभी को पता है 8,
आठ में आठ को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 16 का तो सल्फर का आ जाएगा, फिर एक 16 में 18 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 34, तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी 34 हो जाएगा आपका सेलेनियम का। फिर इस 34 में इस 18 को ऐड करेंगे तो दिखेगा 34 और 18, तो ये हो जाएगा आपके पास 52। और उसके बाद इस 52 में ऐड करेंगे इस 13 को तो ये हो जाएगा आपके पास 84। तो ये एटॉमिक नंबर हो गया हमारे पास आपके ग्रुप नंबर 16 के। चलिए अब ग्रुप 16 के बाद जो है हम ग्रुप 17 की बात कर लेते हैं। तो ग्रुप 17 है हमारे पास पी ब्लॉक में ही, इसको कैसे याद रखेंगे, तो इसको याद रखने का तरीका है हमारे पास, देखिएगा इसको याद रखेंगे हम फिर कल बाहर आई आंटी। तो ये आप एक ट्रिक है छोटी सी, फिर कल बाहर आई आंटी। अब इससे जो वर्ड बनेंगे वो क्या, देखिएगा फिर, तो हम लिख लेंगे यहाँ से फिर का मतलब एफ आर, सॉरी अकेला एफ लिख लेते हैं हम यहाँ पे, फिर से मतलब एफ अकेला एफ। तो देखिएगा फिर कल, कल मतलब सी एल, बाहर मतलब बी आर, आई मतलब आप सिंपल आई लिख सकते हैं, आंटी मतलब ए टी आंटी। तो अब इनसे वर्ड क्या बनेंगे, ये तो एक ट्रिक थी। तो देखिएगा वर्ड इससे लिखेंगे, सबसे पहले एफ है तो एफ से बनेगा आपका फ्लोरीन, फ्लोरीन बनेगा। उसके बाद सी एल से बनेगा आपका क्लोरीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आपने सुना भी होगा। बी आर से बनेगा आपका ब्रोमीन, आई से बनेगा आपका आयोडीन जो कि नमक में भी होता है, खाने में ज़रूरी है नहीं तो घेंगा रोग हो जाता है। और फिर आपके पास यहाँ पे आपका आंटी मतलब ए टी, और ए टी से जो आपका वर्ड बनेगा वो होगा आपका एटेस्टिन, या आप बोल सकते हैं इसको एसेस्टीन, ये आपका वर्ड है एटेस्ट एसेस्टीन, आप ऐसा बोल सकते हैं इसको। अब देखिएगा इनके एटॉमिक नंबर फिर कैसे याद रखें ग्रुप 17 के, तो फिर वही ट्रिक बताई थी मैंने, सभी पी ब्लॉक में अप्लाई होगी 8, 18, 18 और 32, ये लिख लीजिए आप वर्ड। उसके बाद जो ग्रुप का पहला एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए। तो पहला एलिमेंट फ्लोरीन है, फ्लोरीन का सभी एटॉमिक नंबर जानते हैं 9 होगा। अब 9 में इस 8 को ऐड कर, सॉरी 9 में 8 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 क्लोरीन का। फिर इस 17 में इस 18 को ऐड करेंगे तो 17 प्लस 18, तो देखिएगा ये कितना होगा आपके पास 35, 35 हो जाएगा आपका एटॉमिक नंबर ब्रोमीन का। फिर इस 35 में 18 को ऐड करेंगे तो 53 आयोडीन, और इस 53 में फिर इस 32 को आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 85 एटेस्टीन का। तो ये ग्रुप 17 हुआ। उसके बाद हम बात करेंगे आपके ग्रुप नंबर 18 की। तो ग्रुप 18 है आपका पी ब्लॉक में लास्ट ग्रुप है, इसको याद रखने की ट्रिक क्या है देख लीजिए। इसको याद रखने की ट्रिक ये है कि यहाँ पे हमारे पास ट्रिक लेते हैं हम, हीना एक लड़की का नाम है, फिर दूसरी लड़की उसका नाम है नीना, हीना नीना और हीना नीना और करीना जेरोक्स रानी। तो इनसे जो वर्ड बनते हैं वो लिख लेते हैं। देखिए हीना मतलब एच ई, नीना मतलब एन ई, और मतलब हम यहाँ पे लिख लेंगे ए आर, करीना मतलब आप लिख लेंगे करीना मतलब के आर, हो गए चारों यहाँ पे। उसके बाद जेरोक्स, जेरोक्स मतलब एक्स ई जेरोक्स, और रानी मतलब आर एन। तो ये हमने
यहाँ पे जो कोड था उसको, उसके जो वर्ड्स थे वो लिख लिए, हिना नीना और करीना जेरोक्सरानी। अब इनसे जो एलिमेंट बनेंगे वो देखिए कौन सा बनेगा, एच ई से बनेगा हमारे पास हीलियम, फिर एन ई से बनेगा आपका नियोन, ए आर से बनेगा आपका यहाँ पे आर्गोन, और के आर से बनेगा आपका क्रिप्टोन, और एक्स ई से बनेगा आपका जिनोन, और आर एन से बनेगा आपका रेडोन। तो ये एलिमेंट हमारे पास बने। अब इनको याद भी रख लेते हैं कैसे, इसके लिए ट्रिक क्या होगी देखिएगा। इसके लिए जो आपने ट्रिक याद रखनी है वो कुछ ऐसी होगी, क्योंकि एक एलिमेंट यहाँ पे ज़्यादा है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 8, 8, 18, 18 और 32। ये हम याद रख लेंगे, पहले क्या था 8, 18, 18, 32 था। अब हम देखिए, पहले एक एलिमेंट कम था, अब एलिमेंट ज़्यादा हो गया, तो पहले केवल 8, 18, 18, 32 था, अब एक ऐड 8 और कर देंगे हम एक एलिमेंट ज़्यादा होने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं अब कैसे लिख पाएंगे। सभी को पता है हीलियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास 2 होगा, तो 2 हीलियम होगा। उसके बाद कोड अप्लाई कर दीजिए, 2 में 8 को ऐड कर देंगे, 2 + 8 तो कितना हो जाएगा 10, फिर 10 + 8 तो कितना हो जाएगा 18, आर्गन का एटॉमिक नंबर, फिर 18 + 18 कितना हो जाएगा 36, फिर 36 + 18 54, और 54 + 32 ये हो जाएगा हमारे पास आपका 86। तो 86 हुआ हमारा रेडियन का एटॉमिक नंबर। तो देखिएगा सभी के एटॉमिक नंबर याद हो गए, एलिमेंट याद हो गए, ग्रुप 18 के भी आपने देखा हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जेनोन और रेडोन, ये हमारे पास एलिमेंट हो गए, इनके एटॉमिक नंबर भी हो गए। तो स्टूडेंट हमने देखा कि जो पी ब्लॉक के अंदर जितने भी एलिमेंट थे उन सभी को हमने यहाँ पे याद कर लिया विद देयर एटॉमिक नंबर। तो इस तरीके से आप ट्रिक बाई ट्रिक चलेंगे तो आप आसानी से इनको याद रख पाएंगे। तो आई होप स्टूडेंट ये वीडियो थोड़ा लेंथी ज़रूर था लेकिन नॉलेजफुल था, आपने इसको कम्प्लीट देखा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, आपका अपना चैनल है इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें, और प्लीज़ अगर कोई डाउट हो तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।